हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज मैं फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इनके लिए आपके असाइनमेंट की वीडियो बनाने जा रहा हूं। और बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग भाई लग जाते हैं काम पर। और मैं आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में भी अवेलेबल करवाऊंगा और यहां पर लिख के तो दिखा ही रहा हूं। तो जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं कि हाँ जी हम सीखें, ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट पूरी वीडियो देखें। और आपको अगर असाइनमेंट बनाने की जल्दी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो वो आप वहां से भी आप कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, वहां से अपना उठाइए, पेस्ट कीजिए और भाई अपना अपलोड कीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बच्चों, लर्नर इसीलिए बोला जाता है किसी को क्योंकि वो लर्न करता है, सीखता है। तो इसलिए फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और बच्चों, सीखो भी और अपने पास भी हो बहुत अच्छे नंबरों से और आगे सक्सेस करते रहो। तो मैं यही चाहूंगा कि आप फटाफट वीडियो को आप देखना शुरू कीजिए। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, आपका कोड है 52411202 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको वही मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 करने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दूंगा, थर्ड और फोर्थ भी करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इतने पेज भरने से आपको ज्यादा फायदा नहीं है। जितना कम से कम टाइम में कर सको खत्म करके कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं फर्स्ट का ए पार्ट बताऊं तो देखिए क्या बोला गया है। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7%, 8% एंड 9% पर एनम। कह रहा भाई 3 इन्वेस्टमेंट है उनके पास, उन्होंने कहा 3 इन्वेस्टमेंट है और तीनों इन्वेस्टमेंट को 4000 रुपए में बांटा गया है। मतलब क्या, मतलब हमारे पास मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, और तीनों दोस्तों के पास मिला के 4000 रुपए हैं। तो भाई किसी पे कुछ और रुपए होंगे, किसी पे कुछ और रुपए होंगे, किसी पे कुछ और रुपए होंगे, मतलब हर किसी के पास अलग अलग रुपीज होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि उन रुपीस को उन्होंने इन्वेस्ट किया 7% पे, 8% पे, 9% पे पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो उन लोगों को उस एनम के हिसाब से टोटल एनुअल इनकम हुई 317 रुपए 50 पैसे। मतलब देखो, अब मैं बताता हूं, मान लो 3 लड़के होंगे A, B, C, ये 3 लड़के हैं A, B, C, ठीक है। भाई इस भाई ने X रुपये इन्वेस्ट किए, इसने Y रुपये इन्वेस्ट किए, इसने Z रुपये इन्वेस्ट किए, तीनों ने इन्वेस्ट करके 4000 रुपए का खर्चा उठाया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि इन भाई साहब ने 7% ऑफ X इतने का इंटरेस्ट था एनुअली, इनका क्या था, इनका था 8% ऑफ Y और इनका क्या था, इनका था 9% ऑफ Y, सॉरी Z, ठीक है। इन्होंने अपने अपने परसेंटेज दिए और लास्ट में जाके इन्होंने 370 रुपए 50 पैसे भाई क्या उठाया, भाई इन्होंने इंटरेस्ट उठाया यहां से, ठीक। उसके बाद आगे कह रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है द एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज 5 रुपीज मोर देन द इनकम फ्रॉम द सेकेंड, ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या बोला हमसे, इसने क्या बोला बच्चों हमसे कि ये जो पहले की इनकम है, जो पहले की इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो पहले की इन्वेस्टमेंट की इनकम कितनी है, 7%। और अगला क्या बोला है उसने, अगला बोला है उसने भाई सेकंड से, और सेकंड की जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 रुपीज का डिफरेंस है। मतलब कह रहा है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है वो 5 रुपीज ज्यादा है सेकंड के इन्वेस्टमेंट के इनकम के। तो भाई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एक्स रुपी, जिसपे इनकम कितना हुआ 7%, सेकंड का इनकम कितना था, वाई रुपीज, जिसपे इनकम कितना हुआ 8%, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहा, 5 रुपए का। दोनों का डिफरेंस कितने का रहा, 5 रुपए का। तो बस बच्चों, इस तरीके से हमें ये मैट्रिक सॉल्व कर देना है और आंसर निकाल देना है कि आखिरकार A, B और C तीनों ने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो मैं इसी को समझाने जा रहा हूं बच्चों, तो फटाफट देख लीजिए, ठीक है, इसी को समझाने जा रहा हूं तो फटाफट देख लीजिए। यहां पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स the amount is equal to कितना x रुपीस। माना पहला इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अमाउंट कितना x रुपीस एंड द सेकंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट द अमाउंट कितने भाई y रुपीस एंड द थर्ड इन्वेस्टर इन्वेस्ट द अमाउंट कितने भाई z रुपीस। ठीक है, तीनों ने अपने अपने इन्वेस्ट कर दिए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई पहले केस में तीनों ने अपने अपने रुपए इन्वेस्ट किए तो उनको 4000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किए। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई। नाउ अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई जो x रुपीज इन्वेस्ट किया पहले इन्वेस्टर ने तो उसको 7% का इनकम प्राप्त हुआ, उसमें 7% का इनकम। मतलब क्या बच्चों, मान लो आपने 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए और वो आपको 2 दिन बाद 107 रुपए बन के मिले, तो इसका मतलब आपको फायदा कितना हुआ, उस पे इनकम कितना हुआ 7 रुपीज। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि भाई आपने मान लीजिए एक कुर्सी खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, फिर आपने वो कुर्सी बेच दी 107 रुपए की, तो उसपे फायदा कितने का हुआ, उसपे इनकम कितनी हुई 7 रुपीज की। तो बस वही होते बच्चों इनकम। तो मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया था उसपे 7% का फायदा हुआ। अब सेकंड वाला कह रहा है कि सेकंड वाले पे उसे 8 रुपए का फायदा हुआ। मतलब वो कहना क्या चाहता है कि अगर वाई वाला जो है केस भाई 200 रुपए का बेचा हो या 100 रुपए का बेचा हो, वो 100 रुपए का खरीदा हो और बेच दिया 108 का, तो उसको कितने रुपए फायदा हुआ 8 रुपए का। इस तरीके से इसी तरह बच्चों जेड वाले को 9% का इनकम हुआ। 9% का इनकम मतलब क्या कि अगर इसने कोई चीज 100 की खरीदी होगी तो 109 की बेची ताकि उसे 9 रुपए इनकम हो गए। ठीक है, और कुल मिला के इन तीनों के इतने परसेंट को जब ऐड करते हैं तो वो 317.50 रुपए यानी 0.50 इतने रुपए भाई बनता है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो इसको सॉल्व करो भाई। मुझे इतना पता है 7% का मतलब होता है 7/100 मल्टीप्लाई में एक्स, 8% का परसेंट हटाते मतलब 8/100 इंटू वाई, परसेंट हटाते जेड और 3.50। ये पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 भाई। 100 क्या आ जाएगा, नीचे के लिए कॉमन आ जाएगा, हाँ कि ना, बराबर 150 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 7x 8y 9z 31750 सेकेंड बन गई। नाउ अब थर्ड के लिए चलते हैं। थर्ड में क्या बोला है कि भाई पहले की जो इनकम है, पहले वाले की जो इनकम है वो 5 रुपए ज्यादा है सेकंड वाले से। सेकंड वाले की इनकम, क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले की इनकम सेकंड वाले की इनकम से 5 रुपए ज्यादा है। तो 5 रुपए ज्यादा कब होगा, जब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो लो जी 5 रुपए ज्यादा, यानी दोनों के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है 5 रुपए का। तो 7% मतलब क्या हुआ 7/100 एक्स, 8% 8/100 वाई बराबर 5 भाई 100 एलसीएम आ जाएगा। अब यहां कटने लायक तो कुछ है नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो प्यारे बच्चों आपको मल्टीपल में क्या दिखाई देगा 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 5 इंटू 100, तो बन गया 7x माइनस 8y बराबर 500। और ये क्या बन गया आपका थर्ड, ये क्या बन गया आपका थर्ड। ठीक है ना, तो हम तीनों को एक साथ लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4000। ठीक है, फिर 7x प्लस 8y प्लस 9z बराबर 31750 और 7x माइनस 8y बराबर 500। तो बच्चों ये आपको एक मैट्रिसेस जैसा दिखाई देने लग गया होगा। कैसा दिखाई देने लग गया होगा, मैट्रिसेस जैसा दिखाई देने लग गया होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है। सो नाउ आप इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, a बराबर कितना कितना कोफिशिएंट 1 1 1, 7 8 9, 7 माइनस 8 और 0। b की जगह पे क्या लिखेंगे 4000, 3 1 7 5 0, 500। ठीक है जी, और x की जगह पे क्या लिखेंगे x y z। यहां तक हो गया, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे इसे फटाफट। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। एक मिनट आपके पास, जल्दी। तो बच्चों आपने यहां तक तो नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पे, अब यहां से निकालेंगे कि हम नाउ, ये चलो मैं यहीं से करता हूं, जगह खराब क्यों करें। नाउ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बचेगा क्या 8 9 -8 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 आएगा और ये बचेगा 7 9 7 0, ठीक है बच्चों। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम +1, हाँ जी, तो क्या 7 8 7 -8, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये तो 1 है ही, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे बच्चों माइनस तो होता ही है और ये खुद भी माइनस का है, तो ये बनेगा माइनस का 8 × 9, ठीक है, माइनस का 1, इससे इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको इससे करेंगे माइनस का 7 × 9 + 1, इसको इससे करेंगे तो माइनस 8 और 7, तो क्या बन जाएगा ये 7 × -8 और फिर बीच में तो माइनस लगता ही है, फिर इसको इससे करेंगे 7 × 8, ठीक है। चलिए अब ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 9 8 जा 72, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 7 9 जा, हाँ भाई 7 9 63, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, हाँ जी, ये बनेगा माइनस का क्या बोलिए, माइनस का 8 7 56 और ये माइनस का 8 7 56, ठीक है भाई। तो ये बनेगा, तो क्या बन गया ये डिटर्मिनेंट ए बराबर 72 और 63 कितना हो जाएगा 130 और 135, ठीक है जी। और 56 और 56 कितना बन गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस आपस में तो प्लस होता है, 56 56 कितने हो गए 100 और 112, ठीक है। माइनस कर दो 3 और ये 2, 23 आ गया। तो यानी कि बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चों 23, हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 23, ठीक है जी। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जब हमारा डिटर्मिनेंट 23 आ गया, सो नाउ अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। चलिए नाउ कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, हाँ जी। तो कैसे निकालते हैं a 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा ये, तो बचेगा 8 9 -8 0। अब हम क्या करते हैं बच्चों कोफैक्टर में चेक करते हैं 1 + 1 कितना होता है 2। अगर इवन नंबर आएगा तो साइन नो चेंज, अगर ऑड नंबर आएगा तो साइन को हम करते हैं क्या चेंज। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस, और बच्चों माइनस का 8 और 9, ठीक है। 1 1 कितना हो गया, इनको आपस में ऐड करेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है जी। तो 1 + 1 जब 2 हो गया तो इवन नंबर आ गया, तो इसका मतलब साइन में नो चेंज। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 72। उसके बाद a 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 7 9 7 0, 7 9 7 0। लेकिन बच्चों 1 और 2 कितना होता 3, ऑड नंबर है तो साइन चेंज करेंगे, तो इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 63, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 63, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलिए अब अगला आता है a 1 2 आ गया। अब अगला आता है a 1 3, हाँ जी। 1 3 कितना हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या 7 8 7 8 7 -8, 1 और 3 कितना होता 4, इवन नंबर है नो चेंज। इसको इससे करेंगे माइनस का 56, इसको इससे करेंगे माइनस 56, तो माइनस का 112, माइनस का 112। अब क्या है बच्चों, हाँ जी, अब आएगा a 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 1 -8 और 0, बच्चों 2 और 1 3 होता है माइनस, यानी ऑड आ गया। इसको इससे करेंगे 0 माइनस, इसको इससे करेंगे माइनस का 8, तो क्या बन जाएगा माइनस 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 प्लस का 8 और फिर वापस माइनस का 8, तो यानी a 2 1 कितना आ गया माइनस का 8। a 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो प्यारे बच्चों बचा क्या 1 1 7 0, 1 1 7 0। अब 2 2 क्या होता है 4, और 4 क्या है इवन नंबर, तो मींस 0 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस का 7, साइन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला a 2 3, हाँ जी 2 3 सेकेंड थर्ड, तो क्या बना 1 1 7 माइनस 8। हाँ जी 2 3, तो 2 3 ऑड नंबर है, कैसे? क्योंकि 2 और 3 5 होता है। तो ये इससे करेंगे -8, इससे करेंगे -7, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस का 15, तो 8 2 3 क्या आ गया प्लस का 15। ठीक है जी। अच्छा अगला क्या है, A23 हो गया। अब A31, हाँ जी 31 कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 1189 1189। अब भाई 3 और 1 तो 4 होता है, तो इवन नंबर यानी कि 9 माइनस 8 1। अच्छा मैं ये जो एरो दिखा रहा हूं ना यहाँ पर, ये आप असाइनमेंट में मत बनाना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। A32, हाँ भाई 3 2, तो बचा क्या 1 1 7 8, और 2 3 2 तो 5 होगा ऑड, यानी 8 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो यानी A32 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1। अब अगला आता है A33, हाँ जी A33, तो बताइए जरा A33 कितना होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 7 8, एक मिनट यार 3 2 1 9 होगा यहाँ पे, सॉरी 1 9 होगा, 9 माइनस 7 यहाँ 2 होगा। ठीक है अब सही है। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस कितना आ जाएगा 7 और ये 1, अब सही है बच्चों। ठीक है एक बार चेक कर लूँ, A31 1189, 3 2 1 1 7 9, 3 3 1 1 7 8। ठीक है तो बच्चों ये हमने निकाल दिया को फैक्टर। ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों, को फैक्टर। अब को फैक्टर जल्दी से आप नोट कीजिए, को फैक्टर आप जल्दी से नोट कीजिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है हाँ जी यहाँ से उतारेंगे हम। ठीक है नाउ अब क्या करेंगे हम बच्चों, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखिए इधर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या लगता है ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। अच्छा अब आप जैसे ही यहां से ट्रांसपोज हटाएंगे तो ये बनेगा A11 A12 A13। ट्रांसपोज हटाने का मतलब होता है बच्चों कि जो रो होता है ना, जैसे ट्रांसपोज हटता है वो कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। सीखते रहेंगे साथ ही साथ। ठीक है असाइनमेंट का काम भी हो रहा है और हम सीख भी रहे हैं। ठीक है तो A11 A12 A13 भाई पुट कर दो इसकी वैल्यू जो आपने यहां निकाली है। तो A11 कितना है 72, A12 कितना है 63, A13 कितना है -112, A21 कितना है -8, A22 कितना है -7, A23 कितना है 15। ठीक है A31 कितना है 1, A32 कितना है -2 और A33 कितना है 1। तो ये बच्चों आपका आ गया क्या, को फैक्टर। ये आपका क्या आ गया भाई, को फैक्टर, और प्लस साथ में क्या आ गया एडजॉइंट ए। क्या आ गया एडजॉइंट ए। जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ठीक है जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है अब देखेंगे यहाँ, वीडियो पॉज करते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है ठीक। चलिए अब क्या है डिटर्मिनेंट, नाउ इनवर्स। ठीक है नाउ क्या करेंगे बच्चों, इनवर्स। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, अब आप यहां पे लिखना A इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो हाँ जी डिटर्मिनेंट A 1/23। क्यों 1/23, क्योंकि डिवाइड में है तो 1 में लिया। एडजॉइंट A कितना है हमारे पास 72 - 8 1, 63 - 7 - 2 -112 15 और 1। ये बच्चों हमारा आ गया A इनवर्स। और क्या लिखा है हमने कि A इनवर्स इज एग्जिस्ट फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। सो हाँ जी द सिस्टम of equation can be written as कैसे बच्चों, ax is equal to b, a उठा के वहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा a इनवर्स b। x आपने ताजा ताजा क्या रखा था भाई पीछे, x y z। a इनवर्स अभी अभी कितना निकाला आपने 1/23, 72 - 8 1, 63 - 7 -2 -112 15 और 1। और b क्या रखा है आपने बच्चों, b रखा है आपने कितना, b रखा है 4000 31750 और 500, ये रखा आपने b। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं इधर की सारे कंटेंट को माइनस हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है एक्स वाई जेड। तो 1/23 सॉल्व करना शुरू कीजिए। हाँ भाई इसको इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा 72 का 8 और 28 तो और 0 कितने 3, ठीक। माइनस इसको 8 से करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हमें इतना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 72 मल्टीप्लाई बाय 4, 72 मल्टीप्लाई बाय 4000, ठीक है। तो ये आ गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद कितना है बच्चों 31750 31750 मल्टीप्लाई में कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई में है 8 तो कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 254000, ठीक है। फिर प्लस में 500। अब इनको सॉल्व करना है हमें, अब इनको सॉल्व करना है तो बच्चों क्या है 288000 प्लस 500, ठीक है, माइनस 254000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये यानी ये हमारा माइनस करके, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा माइनस करके ना कुछ ऐसा बनेगा 1/23 और ये बनेगा हमारा माइनस करके 34500, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे, हाँ भाई क्या 63 मल्टीप्लाई में 4000 तो कितना आ गया ये 25200 माइनस, ठीक है। फिर किससे मल्टीप्लाई 7 से, ठीक है। फिर 7 की मल्टीप्लाई किससे बच्चों 31750 तो कितना आ जाएगा 222250 प्लस ये माइनस और इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक। तो इसमें करेंगे प्लस 1000, ठीक है, माइनस इसमें से करेंगे 252, ये तो कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 28750, ठीक है। अब इसकी बारी, हाँ जी -112 की करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4 000, ठीक है, माइनस। अब 15 से करेंगे तो कितना आएगा 0 15 75 का 5 रह गया 7 और 15 सत्ते, हाँ जी। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 31750 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आ गया 4676250, ठीक है। और 1 की तो करेंगे तो इससे 500 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या करेंगे तो ये सॉरी यहाँ तो प्लस आएगा ना यार क्योंकि इससे ही रहेगा। तो भाई अब देखो 47625 प्लस 500 लेकिन अब क्या करेंगे माइनस 44800, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, ये आएगा आपका 2850, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, यहां तक कर लिया। अब यहां पर x y z अब डिवाइड कर दो बच्चों 23 से, सबको डिवाइड करो, ठीक है। सबको क्या करो, सबको डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो 34500 डिवाइड बाय किससे करेंगे 23 तो क्या आएगा 1500, ठीक है। अब देखो 2850, ये कितना 28750, हाँ जी, डिवाइड किससे करेंगे आप 23 से जब डिवाइड करेंगे 23 से तो आएगा 1250। अब देखो इससे भी डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा 1250। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि x की वैल्यू आई 1500 रुपए मतलब इन्वेस्ट, y की वैल्यू 1250 रुपए इन्वेस्ट और z की वैल्यू भी 1250 रुपए इन्वेस्ट। अब ऐड करके देख लो 4000 ही आएगा, ठीक है। ऐड करके देख लो कितना आएगा, देख लो ये कितना है 1500 हजार 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 1500 3000 तो यही हो गया 500 और ये 500 4000, चाहे तो ऐड करके देख लो 4000 ही होने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। तो जल्दी से ये पहला क्वेश्चन आप उतारिए, नोट कीजिए, ठीक है। और आपके सामने असाइनमेंट के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा पूरा का पूरा, ठीक है, और आपने अपने असाइनमेंट के लिए काम शुरू कर दिया होगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ होल सेलर ऑफ पेंसिल चार्ज ₹24 पर डजन। कह रहा है एक पेंसिल बेचने वाला होल सेलर है जो 24 रुपए में एक दर्जन पेंसिल बेचता है, मतलब 24 रुपए में 12 पेंसिल देता है, ठीक है, ऑन ऑर्डर ऑफ 50 डजन और लेस। कह रहा है कि अगर वो 50 दर्जन का ऑर्डर दें या 50 से कम का ऑर्डर देंगे तो 24 रुपए के हिसाब से लगेगा। कह रहा फॉर ऑर्डर इन एक्सेसिव ऑफ 50 डजन, कह रहा कि अगर वो ऑर्डर 50 दर्जन से ज्यादा का देता है तो तो हम प्राइस 20 पैसा पर डर्जन घटा देंगे। तो 20 पैसा पर डर्जन क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन द एक्सेस ऑफ 50 डजन, मतलब जितना वो डजन पे जितना डजन बढ़ाते जाएंगे, 50 से जितना डजन बढ़ाते जाएंगे उतना हम उस डजन पे 20 पैसा डिक्रीज करते जाएंगे। तो कह रहा बताओ इसका मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा और इसका ऑर्डर का साइज क्या होगा, इसके ऑर्डर का साइज क्या होगा। तो बच्चों आपसे मैंने क्या बात की, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या बोला गया है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम इसको और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। हाँ जी बच्चों, तो क्या बात थी, मान लीजिए ये एक इंसान है जो पेंसिल का बिजनेस करता है। किसका बिजनेस करता है, पेंसिल का। अब अगर कोई एक पर्सन इसके पास आता है, मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये मिस्टर बी पर्सन है, ठीक है, ये इससे पेंसिल लेने आता है, तो ये कहता है ठीक है जी मैं 24 रुपये दर्जन यानी डजन के हिसाब से आपको पेंसिल दूंगा। तो कह रहा ठीक है जी 50 दर्जन दे दो। तो कह रहा ठीक है भाई, अगर फिर इसने कहा मेरे पास ना दो ऑफर है, एक ऑफर है मेरे पास कह रहा मेरे पास दो ऑफर हैं, का और खा। भाई का में ऑफर ये है कि अगर 50 दर्जन से कम या 50 दर्जन लोगे तो 24 रुपए के हिसाब से दे दूंगा, 24 रुपए दर्जन के हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। लेकिन खा ऑप्शन मेरे पास ये है कि अगर तुम 50 दर्जन से अबव करते हो, ठीक है, तो जितना अबव आप करोगे मैं उतने पर आपके लिए 20 पैसा कम करता चला जाऊंगा। मैं कितने रुपए कम करता चला जाऊंगा, 20 पैसा कम करता चला जाऊंगा। तो बताओ कि इस भाई साहब ने क्वेश्चन में पूछा है, तो कह रहा बताइए कि एक्सेस ऑफ 50 डजन। तो कह रहा फाइंड द साइज ऑफ ऑर्डर दैट मैक्सिमाइज हिज टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई, तो इसके मैक्सिमम रेवेन्यू किस पॉइंट पर आएगी, मैक्सिमम रेवेन्यू किस पॉइंट पर आएगी। अच्छा चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना बच्चों, मुझे पता है रेवेन्यू कैसे निकलती है। भाई रेवेन्यू निकलती है प्राइस इनटू जो भी आपका आउटपुट या जो भी आपका भाई आपने सेल किया, जो भी आपने बेचा, वही होता है आपका रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा अब हम रेवेन्यू निकालेंगे, अगर हम रेवेन्यू निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब हो रहा है, जब आप 50 दर्जन से ज्यादा पेंसिल बेच रहे हैं। रेवेन्यू मैक्सिमाइज कब हो रहा है, जब आप पेंसिल 50 दर्जन से ज्यादा बेच रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे सबसे पहले तो आप एक काम करो, लेट एक्स बी द साइज ऑफ पेंसिल साइज ऑफ पेंसिल, कि भाई पेंसिल के कितने यानी कितना मैक्सिमम पेंसिल बेचा गया, ये हमने लेट कर लिया एक्स। तो हमने क्या लेट किया भाई, एक्स पेंसिल बेचे गए। कितने पेंसिल बेचे गए, एक्स पेंसिल बेचे गए, ठीक है, यही लिखा है ना लैंग्वेज में, एक मिनट लैंग्वेज देख लेते हैं। सॉरी 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 साइज ऑफ द ऑर्डर, साइज ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो भाई पेंसिल के ऑर्डर का साइज क्या है, ये हमने एक्स लेट कर लिया, हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। चलो भाई, तो प्राइस ऑफ पेंसिल, सो प्राइस ऑफ पेंसिल, हाँ जी, प्राइस ऑफ पेंसिल किस तरीके से रोटेट कर रहा है। देखो भाई, वैसे तो 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से पेंसिल मिल रहा है, वैसे तो क्या है 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से पेंसिल मिल रही है आपको, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भाई अगर पेंसिल 50 से ऊपर दर्जन खरीदेगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम तो उसने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और मैक्सिमम वैल्यू मिल कब रही है हमें, मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिल रही है जब हम 50 दर्जन से ऊपर के पेंसिल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो भाई प्रॉफिट ही कमाना है ना भाई, कोई भी इंसान इतने सारे पेंसिल खरीदेगा तो अपने बच्चों के लिए तो खरीदेगा नहीं, वो बेचने के लिए ही खरीदेगा। तो बेचने के समय हम हमेशा एक एक पैसा देखते हैं प्रॉफिट में। ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप तो अच्छे से समझते हो, ठीक है, कि प्रॉफिट कितना जरूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। तो बच्चों 24 रुपए पर दर्जन तो मिल रहा है, लेकिन भाई साहब को प्रॉफिट कमाना है किस पे, पेंसिल पे। कब कमा सकता है, जब वो 50 दर्जन से ज्यादा पेंसिल खरीदेगा। तो 50 दर्जन से जब मैंने भाई 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से मैं खरीद रहा हूं, और मैंने खरीदी कितनी पेंसिल है, एक्स दर्जन। ठीक है, तो भाई ये जरूर एक्स दर्जन, ये जरूर एक्स दर्जन जो ये पेंसिल होगा, ये कौन सा पेंसिल होगा, 50 से एक्स्ट्रा वाला। भाई अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो ये एक्स जरूर साइज में कौन होगा, जो 50 तो होगा ही, 50 से ऊपर जितना होगा। तो यानी 50 तो अपने आप में है ही, तो 50 से ऊपर जितनी भी पेंसिल खरीदूंगा, उसने बोला है, कह रहा है कि अगर आप 50 से ऊपर जितनी पेंसिल खरीदोगे, सब पे 20 पैसे का डिस्काउंट दूंगा, सब पे 20 पैसे का क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो लीजिए 2.0 इंटू एक्स। क्यों लिया मैंने भाई ऐसा, रीजन क्या है इसका, जल्दी बता दो। ठीक है, क्यों, चलो मैं चाहे तो यहां पे ऐसा लिख देता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं, प्राइस ऑफ पेंसिल पर डजन, पर डजन, हाँ भाई क्या है, 24 रुपए, यही है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्राइस ऑफ पेंसिल इन मैक्सिमम साइज, इन मैक्सिमम साइज ऑफ ऑर्डर, इन मैक्सिमम साइज ऑफ ऑर्डर। चलिए भाई, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑर्डर के लिए क्या करेंगे भाई, 24 रुपए उसको तो 50 दर्जन के लिए मिलेगा ही, लेकिन 50 से ऊपर के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, कितनी कम होगी, 0.20। ठीक है, ये क्या होगी, कम होगी, कितने पेंसिल के लिए, एक्स पेंसिल के लिए, कितने पेंसिल के लिए, एक्स पेंसिल के लिए। तो ये हमारा क्या आ गया, प्राइस। ठीक है, नाउ अब क्या निकालेंगे हम, रेवेन्यू, रेवेन्यू, हाँ जी, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू में क्या भाई, जल्दी बोलो भाई क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी यही होता है ना, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। हाँ जी, ये हो गया आर, प्राइस क्या आपका 24 माइनस 0.2x। हाँ जी, क्वांटिटी कितनी है जल्दी बता दो भाई, क्वांटिटी साइज में x है, और प्लस, प्लस कौन है, प्लस 50। क्यों लूंगा प्लस 50, अरे भाई ये x कौन सा साइज है, पेंसिल का वो साइज है जब हम लोग 50 से ज्यादा पेंसिल खरीदेंगे। ये x कौन सा साइज है, ये x वो साइज है जब हम लोग पेंसिल 50 से ज्यादा खरीदेंगे। तो भाई 50 तो पहले से ही है, तो जरूर उसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो वो 50 से ऊपर होगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, x प्लस 50, क्योंकि ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप 50 से ज्यादा खरीदोगे, और 50 से ज्यादा कितना खरीदा हमने, x ज्यादा खरीदा है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे 24x, इसको इससे करेंगे तो 24 गुना 50 कितना होता भाई, 24 पंजे 120, 1200। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 0.2x स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 50 दूनी कितना होता भाई, 100 होता है, लेकिन पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x। तो r बराबर हो गया 10 और ये 34x माइनस कितना हो गया 0.2x स्क्वायर और माइनस का 1200। ये हमारा बच्चों रेवेन्यू आ गया, ये हमारा कौन आ गया, रेवेन्यू आ गया। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, dr अपॉन में dx आपको पता है डेरिवेटिव कैसे करते हैं। अकेले x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 0.2 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो पावर आगे एक कम, और इसके साथ x वाली कोई टर्म नहीं है तो वो बन जाएगी जीरो। ठीक, वो बन जाएगी जीरो। तो ये क्या बन गया dr अपॉन में dx, ठीक है, ये बन जाएगा 34 माइनस ये बन जाएगा 0.4x। ठीक है जी। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ dr अपॉन में dx, आपको पता है ना फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखते हैं, तो 34 माइनस 0.4x बराबर जीरो। तो 34 ये उधर जाके 0.4x, ठीक है। अच्छा, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा 344x, 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके क्या करेगा डिवाइड। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 85। x की वैल्यू क्या आ गई 85, x की वैल्यू क्या आ गई 85। चलिए नाउ अब क्या कर रहा है, नाउ x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हाँ जी अब क्या करेंगे नाउ 85 तो ये आ गए, अब करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई डी स्क्वायर आर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर चला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा 34 का 0 और x का 1, तो कितना आ गया माइनस का 0.4। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्सिमम और मिनिमम में जब भी वैल्यू माइनस की आएगी तो समझ लेना कि मैक्सिमम हो रहा है, और प्लस की आएगी तो मिनिमम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस की वैल्यू ये कहती है कि मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन माइनस की वैल्यू कहती है कि ये तो है ही, इससे आगे जितना मर्जी बढ़ जाओ। ठीक है, तो मतलब अब हमें यहाँ पे ये कहेंगे दिस हमें क्या करना है भाई, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कह रहा है कि मैक्सिमाइज इज टोटल रेवेन्यू। हाँ, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम। तो लो जी, हमने रेवेन्यू को क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, और साइज ऑफ ऑर्डर, हाँ जी साइज ऑफ ऑर्डर, एंड द साइज ऑफ ऑर्डर इज 85। हमने साइज ऑफ ऑर्डर क्या मान लिया भाई 85, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, क्योंकि हमें तो x ही निकालना था ना साइज ऑफ ऑर्डर x, तो यहाँ पे आ गया x 85। तो बच्चों ये था आपका सेकंड पार्ट, ये था आपका सेकंड पार्ट, तो जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसका थर्ड पार्ट आपको कराता हूँ। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ इसके सी पार्ट पे, ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो भी छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा वो भी। ये सारे के सारे ना ये जितने भी मैं आपके लिए असाइनमेंट ये बना रहा हूँ, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। ठीक है, हाँ जी। तो अब आता है सी पार्ट, अब आता है सी पार्ट, तो मैं आपको सी पार्ट करा देता हूँ। सी पार्ट में आपसे कहा गया है बच्चों, अ कंप्यूटर इज परचेज फॉर ₹50,000, कह रहा है एक कंप्यूटर 50,000 रुपये में खरीदा, कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड टू डेप्रीसिएट एट 10% पर एनम, कह रहा, और ये माना गया कि भाई ये ना 10% हर साल इसके रेट कम होते चले जाएंगे। तो कह रहा बताओ 12 साल बाद इसका प्राइस क्या रह जाएगा, 12 साल बाद इसका प्राइस क्या रह जाएगा। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे सबसे पहले, हाँ तो यहाँ लिखेंगे सी पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, हाँ जी, द परचेज्ड अमाउंट ऑफ कंप्यूटर इज कितना बच्चों 50,000 रुपए, कितना है 50,000 रुपए। उसके बाद क्या कहा गया है कि इसका जो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन जो है वो कितना है बच्चों, वो कितना है 10%, यानी इसके रेट जो है आर, हम आर कहेंगे, आर जो है वो कितना है 10%। आगे कह रहा है भाई स्क्रैप वैल्यू निकालनी है इसकी 12 साल बाद। ठीक है, टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन, हाँ जी टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बताया 12 इयर्स। तो हमें क्या निकालना है स्क्रैप वैल्यू, हमें क्या निकालना है बच्चों स्क्रैप वैल्यू। तो आपको पता ही है स्क्रैप वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो स्क्रैप वैल्यू कैसे निकलता है? परचेज्ड अमाउंट वन माइनस आर अपॉन में 100 इंटू एन की पावर एन। तो स्क्रैप वैल्यू हमें निकालनी है। परचेज अमाउंट कितना बताओ? 50,000। ठीक है, वन माइनस रेट कितना 10 अपॉन 100, ये कितना 12। जीरो से जीरो कट गया। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करो। 1 माइनस 1 बाय 10, हाँ जी, तो 1 माइनस 1 बाय 10 जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 1 9 बाय 10 50,000 और 9 बाय 10 का मतलब होता है 0.9 की पावर 12। ठीक है, अब बच्चों 0.9 की पावर 12 कैसे मल्टीपल करें कि हमारा आंसर निकल जाए? तो देखो कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको इसका तरीका सिखा देता हूं। कैलकुलेटर के अंदर मैं आपको इसका तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर इसका तरीका है। जैसे ये देखिए, आपको क्या बोला गया है? 0.9 की पावर 12, 0.9 की पावर 12। तो देखिए बच्चों, ये आपको आगे भी काम आएगा। 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, ये हो गया, आपने ये लगा लिया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 3, यहाँ पे आपको नंबर क्या दिख रहा होगा? 3। ठीक है, अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको टोटल करते चलिए। देखिए यहाँ पे नंबर बदलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए पावर कितना है? 12। तो अगर पावर 12 है तो आप इसको 13 तक लीजिए। अगर पावर 12 है तो 13 तक लीजिए, और अगर पावर 14 है तो 15 तक लीजिए। यानी जितनी भी इसकी हाईएस्ट पावर है ना, उतने आप क्या कर देंगे उसे एक एक्स्ट्रा मल्टीपल। और करना क्या है, मैंने बताया कैसे। 0.9 की पावर 12 तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, फिर इक्वल 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 इक्वल। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ साइड में नंबर चलता रहेगा, तो आपको बेफिक्र रहना, आगे काम आएगा ये। तो भाई इसका नंबर आ रहा है 0.28249, तो इतना लंबा तो लेंगे नहीं हम, तो हम करेंगे 0.2824 तक। ठीक है, इतने तक करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि 5 और ये चारों जीरो, और आगे करना है, चलो आगे कर लो, 29 तक कर लो यार। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरी वो होनी चाहिए। 4 जीरो है तो चारों जीरो शिफ्ट कर दो, तो 2824.29 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा 5 9 45 का 5 रह गया 4, 5 2 10, 4 14 का 4 रह गया 1, 5 4 20 और 1 21 का 2, 5 2 10 और 2 12, 1 40 और 1 41, 4 और ये 14, तो इतने रुपीस। तो बच्चों कितना आया? 14,121.45 रुपए। ठीक है, 14,121.45 रुपए। अगर कहोगे तो और अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, 4121.45 रुपीस। ठीक है, ये है आपका सी पार्ट। तो बच्चों 12 साल बाद उस कंप्यूटर की वैल्यू 10% के हिसाब से इतनी रह जाएगी। ठीक है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, फटाफट इसे नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका ये वाला क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ आपने कर लिया होगा कंप्लीट। आपके देखो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए है। ईच एवरेज हैज इट्स ओन स्पेशल फीचर एंड इट इज डिफिकल्ट टू से Which one is the best? Explain the statement. तो इसका बच्चों आप लोगों को रिटर्न नोट, ठीक है, रिटर्न नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और अब अगला आता है इसका बी पार्ट। तो बच्चों ए पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बी और सी ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए फटाफट। हाँ जी, बहुत छोटा सा है, इसके बाद आपका ये असाइनमेंट ओवर। ठीक है, ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट क्या कहा गया है? द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30.5 ईयर। इफ द मीन एज ऑफ सब ग्रुप ऑफ मैन इज 35 ईयर एंड दैट ऑफ सब ग्रुप ऑफ वुमेन इज 25 ईयर, find out percentage of men and women in the group। चलिए, कह रहे बच्चों एक ग्रुप है जिसमें आदमी और औरत दोनों है, मैन और वुमेन दोनों हैं, जिनकी एवरेज एज 30.5 है, जिनकी एवरेज एज 30.5 है। लेकिन अगर अकेले आदमियों के ग्रुप की बात करी जाए तो उनकी एज कितनी है बच्चों, उनकी एज है 35। अगर अकेले आदमियों के ग्रुप की बात की जाए तो उनकी एवरेज एज है 35, जबकि अगर सिर्फ औरतों के ग्रुप की बात की जाए तो उनके ग्रुप का एवरेज एज है कितना, 25। तो कह रहे बताओ कि नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है। ठीक है, यही पूछा है ना, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन, हाँ भाई, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल भाई। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द कंबाइन मीन ऑफ बोथ, क्या है भाई, कंबाइन मीन ऑफ, सॉरी, द कंबाइन मीन ऑफ एज ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन। तो कितना बच्चों, 30.5। अब इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे ऐसे x, 30.5 ईयर्स। ठीक है, अब the mean of age of subgroup of men, हाँ भाई, तो subgroup of men को आप मान लो mean 1 35 years। ठीक है, and mean of age of subgroup of women, तो women के subgroup का क्या मानोगे आप, mean 2 25 years। ठीक है, 25 years। लेट द नंबर ऑफ मेन, तो क्या मानोगे, n1, एंड द नंबर ऑफ वुमेन, तो कितना मानोगे, n2। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन, कंबाइन मीन, n1 मीन 1, n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2। तो बच्चों मीन कितना है, मीन है आपका 30.5। n1 कितना है नहीं पता, मीन 1 कितना है 35, n2 कितना है नहीं पता, मीन 2 कितना है 25 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आपको पता ही सबका मालिक एक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 30.5 n1 प्लस n2, और ये आ जाएगा 35 n1, 25 n2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इससे होएगी 30.n1, 30.5 n2, क्योंकि इसको इससे भी करेंगे। ठीक है, तो ये 35 n1, 25 n2। अब क्या करेंगे, n1 को उठा के उधर, n2 को उठा के इधर। हाँ जी, 25 n2 प्लस का इधर आके माइनस का। अब 35 n1, ये इधर 30.5 n1 प्लस का इधर आके माइनस का। हाँ जी, सॉल्व कर रहा हूं इधर। हाँ जी, तो क्या होगा भाई, 30.5 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 5.5 n2, और 35 में से 30.5 गया तो कितना बचेगा, 4.5 n1। कुछ बच्चों ने इसका भी आंसर 5.5 ही दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यही आएगा। अच्छा, अब क्या कीजिए, n2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके डिवाइड, और 4.5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा, वो जाके डिवाइड, तो ये इधर आके डिवाइड, और ये n1 और ये अपॉन में n2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो बचेगा 55 अपॉन 45 n1 n2 कैंसिल आउट, तो ये कितना होगा, कितने से, 9 से, तो 5 से, तो 5 पे 11, 5 पे 9, तो 11 अपॉन 9 इज इक्वल टू n1 n2 मीन्स n1 रेशो n2 बराबर 11 रेशो 9। लेकिन हमें रेशो थोड़ी निकालना भाई, हमें तो परसेंटेज निकालना है, या एक काम करो, रेशो नहीं भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो परसेंटेज निकालना है। हमें तो क्या निकालना है, परसेंटेज। सो तो हम लिखेंगे सो द परसेंटेज ऑफ मेन सब ग्रुप ऑफ मेन, यही पूछे ना, क्या पूछे, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मैन इन अ ग्रुप, हाँ फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। तो हाँ भाई ग्रुप में कितने मैन हैं, तो भाई पता कैसे करेगा, देखो भाई N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन को, N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोमेन को, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमेशा परसेंटेज ऐसे निकालते हैं मैन अपॉन में टोटल N2 में 100। तो हाँ जी मैन का रेशो कितना था 11 और टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर दो 11 + 9 20 × 100। तो भाई 20 से 100 को काटोगे 5 तो आएगा 55%। तो बच्चों मैन कितने हैं ग्रुप के अंदर 55%। नाउ अब क्या निकालोगे, द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में भाई वुमेन कैसे निकालोगे, वुमेन अपॉन में टोटल इनटू में 100। तो वुमेन कितनी है बच्चों N2 कितना है 9, टोटल कितना है 20, 100 कैंसिल आउट 5 तो कितना आएगा 45%। तो बच्चों मैन कितने हैं ग्रुप के अंदर, इस पूरे ग्रुप के अंदर, इस पूरे ग्रुप के अंदर मैन कितने हैं 55%, जबकि इस पूरे ग्रुप के अंदर वुमेन कितनी है 45%। तो बच्चों आपका बी पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका थर्ड पार्ट करवाता हूं आपको। तो चलिए बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा बच्चों और फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अच्छा लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा बच्चों, 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों, हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग शिक्षा धाम के नाम से अभी जानेंगे। ये एक नई वेबसाइट हम लोगों ने क्रिएट की है और इसमें बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा गया है, क्या कि हम लोग इस इकोनॉमिकल फीस में, बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में हम लोग उनको पूरे ईयर का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें लाइव चैट का एक ऑप्शन डाला गया है जिससे बच्चा डायरेक्ट अगर कोई डाउट उसे आता है तो वो उसे उस लाइव चैट के जरिए डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकता है कि हाँ जी सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, और जल्द से जल्द उसका रिप्लाई उस बच्चे को दिया जाएगा, ठीक है। शिक्षा धाम नाम है इसका, आप जैसे ही गूगल पे शिक्षा धाम सर्च करेंगे आपको वहां पर दिख जाएगा। इसमें हमारे पास 9th, 10th, 11th, 12th के कॉमर्स, ठीक है, कि कॉमर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई इतनी अच्छी नहीं है मेरी इंग्लिश, ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स, इन दोनों के लिए बच्चों आपको क्या क्लासेस मिलेंगी। अब ये मत कहना 9th और 10th में तो सर कॉमर्स नहीं होती, ठीक है, तो भाई 9th के ऑल सब्जेक्ट, यानी ऑल सब्जेक्ट जैसे आप जानते हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश और क्या भाई SST, इसी तरह 10th में भी, 11th में भी मैथ वगैरह, मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, और 12th में भी मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा, और बाकी फर्स्ट ईयर के लिए तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया और आगे भी इसी तरीके से, क्योंकि अब आगे तो असाइनमेंट वाला रहेगा नहीं कुछ, तो मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। 9th में मोहित सर हैं, 10th, 11th, 12th की मैथ के लिए मैं हूँ, साइंस के लिए मैं हूँ, ठीक है, 9th के लिए मोहित सर हैं। तो इस तरीके से बच्चों, और इसमें अकाउंटेंसी क्लास अनुज सर के द्वारा है, 11th में भी अनुज सर के द्वारा, अनुज सर में के लिए बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं अकाउंट्स की, ठीक है। तो बस आपका 1 मिनट का समय लिया है बच्चों मैंने, तो आप नाराज नहीं होना, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट थी बस, तो इसके बारे में ही थोड़ा सा बताना है। बाकी बच्चों मैं वीडियो में ऐसा कोई भी लाइक शेयर वगैरह करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, बस आपका काम बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए कि आपका भाई असाइनमेंट की वजह से कोई काम रुकना नहीं चाहिए कि हाँ जी मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। आपको क्लासेस प्रोवाइड किए, अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ जी वीडियो आ गई है, अपना देखें और अपना असाइनमेंट बनाएं और सबमिट करके अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। चलिए तो सीखें भी और सिखाएं भी, ठीक है बच्चों। चलिए अब लास्ट पार्ट है इसका, सी पार्ट, वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन क्या है, फटाफट देख लीजिए, क्वेश्चन बता देता हूं, 1 मिनट का टाइम लगेगा कराने में। हाँ जी कह रहा है द मीन एंड मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आर 42.2 एंड 41.9 रिस्पेक्टिवली फाइंड द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इतना बेकार नकली क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं। इसका सी पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, इसी के साथ असाइनमेंट पूरा, और ए पार्ट मैंने बताया ना थ्योरी में, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। हाँ जी, तो देखिए, अरे सिंपल सी बात है, मीन दिया हुआ है 42.2, मीडियन दिया है आपको 41.9, आपसे बोला है मोड बताइए। तो बच्चों बचपन से सीखते आ रहे हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, 3 मीडियन कितना 41.9, 2 मीन कितना 42.2, मल्टीप्लाई करो, 9 3 9 जा 27 का 7 रह गया 2, 3 1 जा 2 5 और ये 12 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो माइनस कर दो भाई, कितना आ गया, 7 में 4 गया 3, 5 में 4 गया 1 और इसमें ये, तो लो जी मोड कितना आ गया 41.3। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, आपका असाइनमेंट पूरा, आपका असाइनमेंट पूरा हो चुका है, बेफिक्र रहिए अब, ठीक है। तो अब आप ये असाइनमेंट, पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ज्यादा जल्दी है तो बच्चों वीडियो देखने के दौरान ही, तो मैं आपको थ्योरी जो है इसकी बोल भी सकता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप इसकी थ्योरी में बोल देता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में तो दूंगा ही, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा लिखकर, तो आप वहां से उसे नोट कर लेना। और बच्चों इसी के साथ आपका असाइनमेंट फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट खत्म होता है। वीडियो देखिए और बताइए कि हाँ जी वीडियो आ गई है, और फटाफट देख लीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चों से यही है कि सभी बच्चों का काम बन जाए और अच्छे से पास हो जाए, और इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते रहे। आपकी हेल्प के लिए हमारी पूरी टीम और मैं खुद हमेशा अवेलेबल हूं, और जैसा कि हमारा नंबर आपको पता ही है, हमारी वेबसाइट पे ही है, तो वहां से जाके हमारा नंबर भी ले सकते हैं। अगर हमसे बात करनी है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, सक्सेस कीजिए, आगे बढ़िए।